Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well and are revising the first chapter. I hope you have completed the exercises of the first chapter as well. But uh, today, uh, we are going to start the second chapter. A very important chapter and very interesting, though. It is the solutions. Okay. What we are going to uh, learn and what we are going to study in this chapter basically, we will uh, going through the formation of different type of solutions. We will express the concentration of solution in different different units here. Okay. We are going to learn the Henry's and Raoul's law, a very important law. Okay. We'll distinguish between the ideal and non-ideal solution. Ideal solutions kawa, what are non-ideal solutions? Okay. Then we will explain the deviation. How much the real solution deviates from the Raoul's law. Then we'll describe the colligative property of the solutions and then we'll correlate them with the molar masses of their solutes. दैन विल एक्सप्लेन द एबनॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है बाई सम सोल्यूट्स सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट जो यू नो इन आ डेली लाइफ इन आ नॉर्मल लाइफ देर आर वेरी लेस प्योर सब्सटांसिस हमारे आस पास जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो बहुत ही कम हो ऐसा हो पाता है कि हम जो है क्या करते हैं प्योर सब्सटांसिस का यूज़ कर पाते हैं मोस्टली वी आर हैविंग द मिक्सर्स ऑल अराउंड ओके मोस्टली वी हैव द मिक्सचर्स ऑल अराउंड ठीक है एंड देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन उनका कॉम्पोजिशन कैसा है मिक्सचर्स का फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक है ना तो जो ब्रास uh, की प्रॉपर्टीज होती हैं वो जर्मन सिल्वर से अलग होती है जो वट इज जर्मन सिल्वर इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन है ना फॉर एक्जाम्पल अगर वन पी पी एम यानी वन पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन जो होता है वाटर में यह आपके टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकता है जबकि वन पॉइंट फाइव पी पी एम जो है वो क्या कर सकता है टूथ को मॉटल कर सकता है और इवन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड विल बिकम वॉट पॉइजनस फॉर यू है ना इसी प्रकार से आपका जो इंटरवेनस ना इंटरवेनस इंजेक्शन होते हैं ठीक है ये हमेशा वाटर में डिजोल्वे किए जाते हैं ठीक है सो uh, देट so ये क्या कर सकें आपके ब्लड प्लाज्मा के कंसेंट्रेशन को अच्छे से मैच कर सके तो बच्चों इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम ये कहें कि हम मोस्टली लिक्विड सोल्यूशन और उनकी फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन बच्चो क्लास टेंथ में आप पढ़ भी चुके हैं ठीक है हाइड्रोजीनियस होमोजीनियस ठीक है तो बच्चों सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे तो सोल्यूशन है बेसिकली होमोजीनियस मिक्सर्स है ना ये होमोजिनस आपको बहुत अच्छे से पता है तो सोल्यूशन बेसिकली होमोजीनस मिक्सर जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं कॉम्पोनेट हो सकते हैं है ना होमोजीनस का मतलब क्या होता है होमोजीनस का मतलब ये होता तो है उसका जो कॉम्पोने उसका जो कॉम्पोजिशन होता जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थ्रू आउट द मिक्सर यूनिफॉर्म होती हैं एक जैसी होती हैं है ना और जनरली तो कॉम्पोनेंट जो होते हैं जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में उस मिक्सर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे सॉरी <laughs> oh, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट है ना मैंने बताया था आपको पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि सॉल्यूशन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना तो सॉल्वेंट क्या होता है उस मिक्सचर में जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी में दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट है ना अब बेसिकली सॉल्वेंट ही वो चीज़ है जो डिटरमाइन करती है फिजिकल स्टेट ठीक है कि सॉल्यूशन किस में एग्जिस्ट करेगा ओके द सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट है ना एंड वन और वन और मोर कॉम्पोनेट ऑल्सो प्रेजेंट इन दट सोल्यूशन अदर देन द द सॉल्वेंट एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट्स ठीक है सॉल्वेंट के अलावा भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं बेसिकली सॉलिड फॉर्म में दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट्स है ना तो इस चैप्टर में बेसिकली बाइनरी सोल्यूशन लेंगे बाइनरी सोल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं बच्चों ऐसे सोल्यूशन ठीक है जिसमें दो कॉम्पोनेंट्स हो ठीक है द इन विच वी हैव है टू कॉम्पोनेट्स कॉल द बाइनरी सोल्यूशन यहाँ पे हम आपको कुछ टाइप ऑफ सोल्यूशन की टेबल दिखाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है इसको अच्छे से याद कर लेंगे इसको अच्छे से समझ लेंगे देख लेंगे ठीक है ना जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो जैसे गैसेस सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस सो वी गो थ्रू फर्स्ट द लिक्विड सॉरी गैसेस सॉल्यूशंस गैसेस सॉल्यूशन देखिए सब में तीन तीन फेजेस हैं थ्री टाइप्स हैं जैसे गैसेस में क्या होगा आपका सॉल्यूट क्या है गैसिस फॉर्म में होगा और सोलवेंट क्या है वो भी गैसिस फॉर्म में होगा है ना यानी आपको सॉल्यूट भी गैसेस फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी गैसेस फॉर्म में है दोनों गैसेस फॉर्म में है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस ठीक है यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस अगर दोनों मिली हुई हैं ठीक है ठीके? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है सेवेंटी वन परसेंट अराउंड है और ऑक्सीजन uh, आपकी ट्वेंटी है ट्वेंटी वन परसेंट है है ना तो जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस का मिक्सचर होगा तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा एज ए सॉल्यूट होगा क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन कम है और जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसका कॉन्सेंटेशन ज्यादा है तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस ये गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है समझ रहे हो बच्चों इस प्रकार से सॉल्यूट uh, आपका लिक्विड हो लेकिन सॉल्वेंट गैस हो समझ में आ रहा है आपका सॉल्यूट क्या हो लिक्विड हो लेकिन आपका सॉल्वेंट गैस इस फॉर्म में हो ये क्या हो सकता है जब हम नाइट्रोजन गैस के साथ क्लोरो क्लोरो फॉर्म को मिक्स करते हैं तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको बनता है है ना क्लोरोफिल आपका क्या है लिक्विड फॉर्म में होगा और नाइट्रोजन हो। गैसिस और है है कि सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म फॉर्म में में हो और में हो और सॉल्वेंट ठीक इसका इन नाइट्रोजन गैस यानी हम कैम्फर को कपूर को जो गैसिस में नाइट्रोजन गैस में मिक्स करेंगे तो आपको इस टाइप का एग्जाम्पल ठीक है अब आते हैं लिक्विड सोल्यूशन पे लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है कि गैस इस सॉल्यूट हो यानी आपको सॉल्यूट गैसिस फॉर्म में हो और आपका सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो लिक्विड सोल्यूशन में सारे के सारे जो अभी तीन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब सॉल्वेंट लिक्विड होंगे गैसेस फॉर्म में सारे के सारे सॉल्वेंट क्या थे गैस से सॉलिड फॉर्म में सारे के सारे सॉल्वेंट क्या होंगे सॉलिड होंगे ठीक है अब नेक्स्ट है जैसे पहले मैंने बताया कि सॉल्यूट आपका गैसेस फॉर्म में सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉट है ना लिक्विड लिक्विड यानी सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड यानी इसमें इथेनॉल क्या होता है डिजोल्व होता है वाटर में solid solid है. आपका सॉल्यूट इसमें सॉलिड फॉर्म में है सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में यानी ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर है ना तो ये सारे आपका एग्जाम्पल यानी आप देखा होगा वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है लिक्विड सॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिजोल्व पहले गैसेस फिर लिक्विड सॉलिड तीनों चीज़ें देखी अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं अब आप सोच रहे हो सॉलिड सॉल्यूशंस तो क्या सॉलिड फॉर्म में भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं आइए देखते हैं हाँ हो सकते हैं बिल्कुल होते हैं बच्चों जैसे गैस सॉल्यूट <coughs> इसमें गैस होगा सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा है ना जैसे हाइड्रोजन का सॉल्यूशन पैलेडियम के साथ है ना पैलेडियम सॉलिड फॉर्म में है हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है इनका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपका वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट गैस होता है और सॉल्यवेंट क्या होगा सॉलिड होगा ठीक है नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा जैसे अमलगम ऑफ अमलगम आपको पता है इट इज मकरी और सोडियम का होता है मिक्सर है ना मकरी आपका लिक्विड फॉर्म में है ओनली ठीक है ये मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है मकरी और सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में होता है ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं अमलगम बनाते हैं नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट क्या हो सॉलिड दोनों सॉलिड हो तो क्या हो जाए कॉपर को गोल्ड में जो करते हैं कॉपर भी सॉलिड गोल्ड भी सॉलिड आप डिजोल्व करोगे आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा जिसमें तो बच्चों में आप तैयार कर लो ठीक है क्योंकि आगे जो है ये चीजें काम आने वाली है ठीक है चलो तो ये बात हो गई बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब हम आए थे किस के कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस कैसे करेंगे कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं ठीक है और कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बच्चों एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस ठीक है बच्चों जो कॉम्पोजिशन होता है सोल्यूशन का है ना जो सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन होता है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करके ओके द कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाई एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सनट्रेशंस ठीक है और ये जो कंसनट्रेशन होते हैं इनको या तो हम क्वालिटिवली है ना qualitatively या quantitatively ठीक है या हम जो है इसको quantitatively या यानी क्वालिटी रूप से या क्वांटिटी के रूप में कैसे भी उसको हम क्या कर सकते एक्सप्रेस कर सकते हैं है ना जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्वालिटेटिवली की यानी क्वालिटी के रूप में अगर हम देखें कि कैसे क्वालिटेटिवली इसको जो हम क्या कर सकें एक्सप्रेस कर सकें तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन क्या है आपका डाइल्यूट है आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के बारे में बल कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्यूशन और डायल्यूट सोल्यूशन के बारे में क्लास टेंथ में आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा बच्चों है ना डायल्यूट सोल्यूशन क्या होता है डायलिट सोल्यूशन में ये होता है कि आपका जो सोल्यूट होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में होता है और कंसनट्रेट में क्या होता है आपका सोल्यूट लार्ज क्वांटिटी में होता है बस यही होता है ये आपके क्वालिटेटिवली हो बट रियल लाइफ में अगर देखें तो इस टाइप के डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों है ना इसीलिए हम क्वान्टिटिवली बेसिकली डिस्क्रिप्शन देते हैं जो बहुत अच्छा होता है तो आइए देखते हैं कि कैसे हम क्वान्टिटिवली ठीक है क्वान्टिटेटिवली जो है इसको इसके कंसनट्रेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो एक ये करके देखते हैं हालांकि थोड़ा सा आपके इसके बारे में टेंथ में पढ़ भी चुके हैं ठीक है तो लेट्स साइड में फर्स्ट चैप्टर में भी जब आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ठीक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री तो वहाँ भी इस चीज़ को आपने देखा था ओके okay? तो लेट इस्टार्ट फर्स्ट वन इज द मास परसेंट ओके डब्लू बाई डब्ल्यू मास परसेंटेज क्या है बच्चों बच्चों देखो तो मास परसेंटेज होता है किसी भी कंपोनेंट या सॉल्यूशन का उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट डिफाइन एज द मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन ओके यानी सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन समझ में आ रहा है बहुत इजी है बहुत अच्छा है ये आप ऐसा निकाल सकते हो फिर से समझो कैसे किसी भी आ, उसका कंपोनेंट का जो आ, आ, ये बेसिकली मास आपको निकालना है ठीक है तो मास परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना है तो मास परसेंटेज निकालने के लिए द फॉमूला इज द मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन यानी सॉल्यूशन में उस कॉम्पोनेंट का मास कितना है अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इन टू ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि अगर जैसे हम बोले कि हमारे पास टेन ग्लूकोज है इन वाटर बाई मास अगर हम बोल रहे हैं कि टेन परसेंट ग्लूकोज इन वाटर मतलब क्या हुआ ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि टेन ग्राम ग्लूकोज जो है वो नाइन्टी ग्राम वाटर में घुला हुआ है इससे क्या बनेगा जब टेन ग्राम ग्लूकोज आपका 90 ग्राम वाटर में घुलेगा तो कितने ग्राम सॉल्यूशन बनेगा 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा है ना तो जो कंसंट्रेशन जो होता है वो मास परसेंटेज से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है और इस टाइप का ये जो बेसिकली हमारा जो मेथड है डिस्क्राइब करने का कंसंट्रेशन का ये बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो हम केमिकल्स वगैरह बनाते हैं ठीक है वहाँ पर बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं है ना जैसे ब्लीचिंग सोलूशनस वगैरह हो गया ठीक है तो जैसे ब्लीचिंग सोलूशन बनता है उसमें क्या होता है थ्री मास परसेंटेज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का वाटर में ठीक है तो ये सारी चीजें ये हो गया आपका मास परसेंटेज इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है और ये इजिली uh, जो है इसमें हो सकता है नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज तो बच्चों अब वॉल्यूम परसेंटेज की बात आती है वॉल्यूम परसेंटेज एंड वीव अपॉन वीव इसमें क्या होता है कैसे डिफाइन कर सकते हैं द वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कॉम्पोनेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ठीक है इन टू हंड्रेड वेरी इजी है जैसे जैसे ऊपर वाला था सेम वैसे ही ठीक है वहाँ मास की बात हो रही थी तो यहाँ बात किसकी हो रही है वॉल्यूम की बस दैट्स अ डिफरेंस ओके तो चलो आगे देखने से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेन परसेंट इथेनॉल है इन सॉल्यूशन ठीक है टेन परसेंट इथेनॉल सॉल्यूशन है वाटर में इसका मतलब क्या हुआ तो अगर टेन परसेंट इथेनॉल सॉल्यूशन है वाई वॉल्यूम ठीक है वाटर में, में तो इसका मतलब हुआ कि टेन एम एल ऑफ़ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर और किस तरीके से सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन हंड्रेड एम फिर से एक बार बता दूं अगर टेन परसेंट इथेनॉल सोल्यूशन है वाटर में ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि टेन एम एल ऑफ इथेनॉल फिर से सुनो टेन एम एल ऑफ इथेनॉल इज डिजोल्व इन वाटर और कैसे ये वाटर में डिजोल्व है इस तरीके से है कि जो टोटल वॉल्यूम हो जाए सोल्यूशन का वो कितना हो जाए हंड्रेड एम हो जाए ठीक है तो सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स ऐसे सोल्यूशन जिसमें लिक्विड्स होते हैं बेसिकली दे आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट ठीक है जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर हम बोले थर्टी फाइव परसेंट वी अपॉन वी सोल्यूशन ऑफ़ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड इंड एक, एक तरीके से एंटी फ्रीज होता है इसको हम कार्स वगैरह में ठीक है इंजिन को कूल वगैरह करने में करते हैं ठीक है तो इस कंसनट्रेशन में क्या होता है द एंटी फ्रीज क्या करता है फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है वाटर के ठीक है तो इस तरीके से ये वर्क करता है तो इस तरीके से वॉल्यूम वाई वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है ठीक है वॉल्यूम परसेंटेज अब आते हैं मास बाय वॉल्यूम यानी डब्ल्यू अपॉन भी ये देखते हैं क्या होता है मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज में ये है कि इसको जनरली हम जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मेडिसिन या फार्मेसी में यूज करते हैं इस टाइप के कंसल्टेशन को हम किस में यूज करते हैं फार्मेसी या मेडिसिन वगैरह जहां पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करते हैं ठीक है इसका क्या होता है इसका ये है कि इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ठीक है यानी यानी कितना मास, solute का कितना किस का जो है वो 100 ml solution में dissolve है, है, है? है? वो में वही आपका w upon v होता ठीक ठीक अब आते हैं पी -पी, पी, पी -पी parts per million, ये तब हम बेसिकली यूज करते हैं जब आपका सोल्यूट बहुत ही कम बहुत ही ट्रेस अमाउंट में अगर मिला हुआ है ठीक है तो जब आपका सोल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज में है प्रेजेंट ठीक है तो इसलिए ये कन्वीनियंट होता है कि हम इस कंसेंट्रेशन को किसमें एक्सप्रेस करें बच्चों पास पर मिलियन में ठीक है तो आप देखो पास पर मिलियन का क्या फॉर्मूला है इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन ठीक है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेट ऑफ द सोल्यूशन ध्यान देने वाली बात है फिर से बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द यानी के कितने पार्ट्स है वो ऊपर रखेंगे अपॉन नीचे कर रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स सारे कॉम्पोनेट्स के सोल्यूशन में कितने है, उसको रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टू द पावर सिक्स है ना तो एज इन दिस केस ऑफ परसेंटेज यू नो द जो देशन है पीपीएम में इसको हम मास बाय मास टू मास से वॉल्यूम टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे फॉर एक्साम्पल अगर सी वाटर है एक लीटर अगर हम सी वाटर लें ठीक है तो जो लगभग वन जीरो थ्री जीरो ग्राम है अगर हम एक लीटर सी वाटर लेंगे तो वन ज़ीरो थ्री जीरो ग्राम होगा ठीक है और उसमें जो है सिक्स इंटू टेन तो टू तो द पावर माइनस थ्री ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन है तो बहुत ही कम हो गया है ना इस स, तो इस इतना जो स्मॉल कंसनट्रेशन है इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइव पॉइंट एट ग्राम पर टेन टू तो द पावर सिक्स ग्राम यानी फाइव पॉइंट एट पी पी एम अगर हम इसको निकालें तो सी वाटर तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको जो है माइक्रोग्राम पर मिली लीटर या पी पी एम में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इवन जो हमारे एटमोसफियर में ठीक है जो पॉल्यूटेंट्स का बेसिकली uh, जो कंसनट्रेशन है वो हम इसी पी पी एम में ही निकालते हैं तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन ध्यान रखना पी पी एम का यूज तभी करते हैं जब क्या होता है ये जब सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में कहीं पर सोल्यूशन में प्रेजेंट है ठीक है अब आते हैं मोल फ्रैक्शन जिसके बारे में आप फेमिलियर हैं पढ़ भी चुके हैं इजी भी है मोल फ्रैक्शन बच्चों मोल फ्रैक्शन में क्या है कि ये इसका जो सिंबल होता है बेसिकली हम से डिनोट करते हैं ठीक है और राइट हैंड साइड में जो सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं ठीक है ठेके? वो उसका कॉम्पोनेट डिनोट करता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका <laughs> इस, इसका फॉर्मूला होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट ओके इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन

और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है दोनों का दिया हुआ है तो एन ए ठीक है तो ए के मोल को ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम एन ए से डिनोट करेंगे और बी के नंबर ऑफ मोल्स को एन बी से डिनोट करेंगे ठीक है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी अब हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सब ध्यान रखना तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए एन ए क्या है मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ठीक है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी क्या हो गया यानी टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए दोनों के सारे ऑल द कॉम्पोनेट यानी दो ही कॉम्पोनेट हैं इसमें तो एन ए अपॉन क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी है ना इस तरीके से हम यहाँ पे इजिली क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं अगर सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्पोनेट्स हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्स आई इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू, टू एन वन प्लस एन टू से लेकर के एन आई तक ठीक है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल सम होता है सोल्यूशन का सारे मोल्स का ठीक है वो क्या होता है मोल फ्रैक्शन का वो यूनिटी होता है यानी तो से लेके वन ठीक है तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है और आपको पता है जी जो मोल फ्रैक्शन होता है बहुत यूजफुल होता है रिलेटिंग सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जैसे वेपर प्रेशर हो गया कंसनट्रेशन के सॉल्यूशंस के साथ तो इन सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है और गैसिस मिक्सचर्स ठीक है ना हम गैसेज मिक्सर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो मोल फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये चलिए अब आगे चलते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ही निकालना है क्या किया गया है देखते हैं क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथोलाइन ग्लाइकोल सी सी टू एक्सू इन सोल्यूशन कंटेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ C2H6O2 by mass. कह रहा है आपको ड्रेड में? में तो ग्राम सोल्यूशन है कितने ग्राम है हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन है तो उस हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन में ठीक है कितने ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है बच्चों ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी तो ग्राम होगा है ना तो जब 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है तो वाटर कितना हुआ ऑब्वियसली जब आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकोल है तो 80 ग्राम आपका क्या होगा वाटर होगा गॉट इट नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं मोल्स ऑफ मोल्स कैसे नहीं? पहले मोलर मास निकाल लेते हैं मोलर मास क्या है मोलर मास निकालना आपको पता है अच्छे से ठीक है तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम बहुत इजी जाते है कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास 12 है तो 12 इंटू टू प्लस वन इंटू सिक्स हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन यूज सिक्सटी इंटू टू ये आपका आ जाएगा मोलर मास यानी सिक्सटी टू ग्राम पर मोल जब मोलर मास आ गया तो आप मोल निकाल सकते हैं ग्लाइकॉल के ठीक है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी ग्राम ये है अपॉन अपॉन मोलर मास ठीक है इट इज़ कॉल्ड सिक्सटी टू तो ये हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट थ्री टू मोल आ गया मोल आ गया इसके ऐसे आप वाटर के मोल निकाल लेंगे ठीक है मास बाई मास कितना है ये एटी ग्राम है सॉरी <coughs> और नीचे कितना हुआ एटीन ग्राम ठीक है तो 80 ग्राम अपॉन एटीन ग्राम इसका मोल आ गया अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो पहले ग्लाइकॉल का निकालते हैं फार्मूला आपको पता है ऊपर क्या रखेंगे मोल्स ऑफ क्या ग्लाइकॉल और नीचे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेट्स तो ग्लाइकॉल और वाटर के मोल नीचे रखेंगे और ऊपर ग्लाइकॉल का लिखेंगे फार्मूला में पुट करेंगे विल गेट द आंसर ठीक है और वन में से माइनस कर देंगे तो आपको वाटर का भी आ जाएगा तो इन दिस वे यू आर एबल टू सॉल्व बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके लगते हैं इससे ठीक है तो बच्चों दिस इज द मोल फ्रैक्शन अब बात करते हैं मोलैरिटी मोलैरिटी ठीक है बच्चों इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी क्या होता है ठीक है कि सॉल्यूट के कितने मोल वन लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है वही होती है मोलैरिटी ठीक है एक बार फिर से बता रहा हूं कि वन लीटर सॉल्यूशन में

में ध्यान रखना वन लीटर सॉल्यूशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और मोलरिटी से क्वेश्चंस भी आते हैं देखिए क्वेश्चन हम लगाते भी हैं इसमें कैसे है देखो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फाइव ग्राम ऑफ एन एन एच ठीक है आपको क्या करना है क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग फाइव ग्राम ऑफ एन इन फोर हंड्रेड सॉल्यूशन तो बच्चों सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे एनूएच के मोल्स कितने हैं आपको पता है एन का मोलर मास निकालेंगे आप फोर्टी ग्राम पर मोल आएगा तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइव ग्राम अपॉन फोर्टी ग्राम नंबर ऑफ मोल आएगा जीरो वन टू फाइव अब वो वॉल्यूम वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का लीटर्स में है ना तो इसमें फोर हंड्रेड फिफ्टी दिया हुआ है लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे इसको वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे पर तो वन थाउजेंड पर लीटर आंसर आ जाएगा आपका ठीक है तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जीरो पॉइंट इंटू वन थाउजेंटी जीरो तरीके से आप यहाँ पे मोलैरिटी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों आप आप आराम से लगा सकते हैं इट्स नॉट अ वेरी टफ वन ठीक है अब आते हैं हम मोलैलिटी वो मोलैरिटी था बच्चों ये मोलैलिटी है बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा सेम ही चीज है थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ठीक है क्या है वा, देखो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे ठीक है तो जैसे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ध्यान रखना वहां क्या था मोलैरिटी में क्या आया था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन वहां वन लीटर था और सॉल्यूशन था यहां क्या है पर केजी है और सॉल्वेंट है

ठीक है तो इतने ग्राम के सी एल डिजोल्व है वन किलोग्राम ऑफ वाटर ध्यान रखना वन किलोग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट के की बात कर रहे हैं ठीक है तो बच्चों ये सारी चीज़ें थी जो हम जिससे हमने कंसनट्रेशन को देखा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये आज जो है इंट्रोडक्ट्री बेसिकली आपका लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कंसनट्रेशन को जाना क्योंकि इसके इसमें बहुत सारे नुमेरिकल्स लगेंगे इसके बेसिस पे ठीक है ना और आपको पता है जितने भी एक्सप्रेशन हैं ये कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने भी मैथड हैं ठीक है इनकी सबकी अपनी अपनी कुछ मेरिट्स भी हैं कुछ डीमेरिट्स भी हैं है ना और आपको बताऊंगी जो मास परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन और जो मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी है रिमेंबर अगेन बोल रहा हूँ मास परसेंट पीपीएम मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते तो सिर्फ मोलैरिटी है मोलैरिटी है ना जो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जो फंक्शन होता है टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्यों क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे जबकि मास डिपेंड नहीं करता है यानी जितने मास वाले आपके जो थे फिगर्स वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते जबकि वॉल्यूम वाला क्या करेगा डिपेंड करेगा ठीक है तो ये हुआ बच्चों आज का लेक्चर कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो आप देख सकते हैं इजी हैं और आपका होमवर्क है आज का इंटेक्स क्वेश्चन ठीक है यानी 2.1 से लेकर के 2.4 तक 2.5 तक है ये इनको आप क्या करेंगे कर लेंगे और इसको रिवाइज कर लेंगे चैप्टर्स को कल जब हम मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है सॉल्युबिलिटी और बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में सोलब्रिटी के साथ तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज़ करिए और ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल्स हैं और जो आपके पास बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन लगाइए ठीक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर